सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आज की कहानी है जो उसका शीर्षक है सत्संग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो सत्संग जी चलिए सुनते हैं। आम तौर पर लोग कभी कभी ज्ञान की बातें सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग नियमित रूप से ज्ञान की बातें सुनते हैं पढ़ते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे से सही लेकिन सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। यदि आपको लगता है कि ज्ञान की बातें आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं या इन बातों को जीवन में लागू कर पाना संभव नहीं है तो एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी में संत ने एक युवक को समझाया है कि किस प्रकार ज्ञान की बातों को जीवन में उतारा जा सकता है और किस प्रकार इन बातों का असर होता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। तो सत्संग जी, एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन का सही दिशा बोध प्राप्त होता था। संत की वाणी में गजब का जादू था, उनके शब्द श्रोता के सीधे दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थी जीवन में वैसा सादराचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है, बताइए मैं क्या करूं। संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिन बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नज़र आया? युवक बोले, एक फर्क जरूर नज़र आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में वह छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। तो सत्संग जी, इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मस्तिष्क विकारों को दूर कर प्रेम को बढ़ाती है और हमारे कुविचारों को दूर करती है। तो सत्संग जी, इसलिए हमें निरंतर सत्संग करनी चाहिए क्योंकि सत्संग से हमारे विकार दूर हो जाते हैं और जो हमारा मन है वो साफ सुथरा हो जाता है। सत्संग की, सत्संग जी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। सत्संग जी धन निरंकार जी।